हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कृति रानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी चल फिर के मतलब ठीक ही हूँ। बोलने से पहले मेरी खांसी आना शुरू हो गई, तो आज मैंने दो चोटी बनाई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि पता है जब दो चोटियाँ बनाती थी ना को बोलती थी मम्मी दो चोटी चाहिए मुझे भी बना दो, तो स्कूल जाने में तो दो चोटी ही चलता था स्कूल में, क्योंकि एक चोटी का अलाउ नहीं था। तो दो चोटी बना, तो वो होता है ना हम लोग रिबन बोलते हैं, वो फीता लगा के जो यहाँ इसको मोड़ के ऐसे करके बना जाता है उस टाइप से। और मेरा स्कूल का अलाउ भी हेयर नहीं रह सकते ऐसा था वहाँ का रूल, कितनी ही बड़ी लड़की क्यों ना हो जाओ बस उसका दिया उससे ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब इतना से कंधा से नीचे नहीं होना चाहिए बात बस मेरा लॉन्ग नहीं। लेकिन मुझे बहुत लॉन्ग बाल पसंद थी, तो मैं उसको मेरा बड़ा होता था मम्मी लोग कटाते थे, मेरा बहुत रोना आता था क्योंकि और मेरी बहन जो थी छोटी वाली गई मतलब सेकेंड वाली मेरी, तो उसका स्कूल अलग था, तो उसमें कोई भी किसी तरह भी बाल आपका चलेगा, कोई उसको बाल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मुझे लगता था कि मम्मी उसको ज़्यादा प्यार, उसका मम्मी दो चोटी मोड़ के बांध देती थी और हमको भी बांधती थी, तो दूसरे जैसा होता है ना, तो मुझे वैसा अच्छा नहीं लगता था। और मेरा बाल बांधने मेरी मम्मी खोजती भी नहीं थी, क्योंकि मैं ऐसे करके नाप के देखती थी, बोलती थी मेरा अच्छा हुआ कि नहीं, फिर अगर मुझे अच्छा ना लगे फिर मैं उसको जाके फिर उसे खोल देती थी, फिर बोलती थी बांध दो, फिर बांधती थी, फिर खोल देती थी, फिर बोली बांध, इसीलिए मेरा कोई बाल बनाने नहीं खोलता था। बहुत मन किया तो मैं बनाई, अब तो बाल भी नहीं है और बाल मेरा पूरा झर गया, क्योंकि ये जो तबीयत खराब हुआ था ना इधर एक महीने पहले उसमें तो सारा बाल ही मेरा गायब हो गया, तो लेकिन लॉन्ग था तो पूरा झर गया था ना, इस वजह से मैं एक दिन गुस्से में सारा बाल ही काट के इतना बड़ा बाल काट दी मैं। और मैं दो चोटी बनाई कैसा लग रहा, बस हर दिन बनाई, दूसरे का बनाती हूँ बहुत अच्छे से, मुझे तो आता नहीं है बनाने, बस मैं कोशिश की आज मेरा मन, क्योंकि एक चोटी में ना सारा बाल इधर उधर हो जाता और अजीब से हो जाता है, इसी वजह से चोटी हो, क्योंकि मुझे बनाने नहीं आती है खुद से, अब खुद का बाल बनाने में मुझे दिक्कत होती है, दूसरे का बाल अच्छे से बनाती हूँ मुझे नहीं आती, तो मैं अपनी बहन को देख के बोलते थे मुझे भी उस तरह बाल चाहिए, तो मम्मी मेरे भी बाल लॉन्ग ही कर दी थी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था रोना आता था ना काटने के बाद, और मैं बड़ी तो मेरा बाल छोटा और छोटी वाली बहन का बाल बड़ा, ये तो होने से रहा, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता था। तो बाल बना के मोड़ के इसको होता है ना, एक बार मम्मी ऐसे फोल्ड करती थी फिर इसको ऐसे करके फोल्ड की ताकि सर को दिखे कि छोटा बाल है छोटी है, लेकिन सर तो खुद ही उतना ही रहते थे, तो फिर धीरे धीरे वो स्कूल में ज़्यादा दिन हो गया था, कुछ दिन बड़ी हुई तो सेवन के बाद तो निकलना ही था, लेकिन एक साल और रहना पड़ गया था एट के बाद निकली, नाइन टेन अलग स्कूल में हुआ, और मेरी बहन कन्या पाठशाला होता उसमें पढ़ी थी, और मेरा था राजकीय बुनियादी विद्यालय ऐसे करके था, तो सब करूँ अलग अलग, मेरा लड़का लड़की सबका अलाउ था, मेरी बहन जिसमें थी उसमें सिर्फ लड़की का अलाउ था, लड़का का क्योंकि कन्या पाठशाला ही नाम था उसका, कन्या पाठशाला। ये चोटी के लिए इतना लंबा भाषण मेरा, आज मुझे बहुत याद आ रही थी स्कूल की, जब मैं ये चोटी बना रही थी तो लग रहा था कहाँ स्कूल फिर से जा पाती, ये इस तरह से दुपट्टा लेना, ये इस तरह से चोटियाँ बनाना, फर्क इतना था। उस टाइम स्कूल जाने के लिए बनाई थी, आज शौक से बनाए, उस टाइम जब बनाती थी तो ये सिंदूर नहीं होता था, आज बनाई हो तो ये सिंदूर पड़ा हुआ है, अब वो दिन लौटने से तो रहा, लेकिन बहुत मिस करते हैं स्कूल कॉलेज सारा कुछ, बहुत मस्ती किए थे हम लोग और पढ़ाई में सर लोग भी बहुत प्यार दुला दिए थे हम लोग, काश वो दिन फिर से, इतनी टेंशन वाली भाग दौड़ का जिंदगी जो है इससे बढ़िया वही वाली जिंदगी थी, क्योंकि ना कोई रोकने वाला ना कोई रोकने, थोड़ी सी मम्मी की डांट तो पड़ती थी पर वो अच्छा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी से अच्छी थी कि मम्मी का डांट ही खा लूँगा, लेकिन ये जिम्मेदारी अच्छी नहीं है,
अपनी अच्छी लाइफ बचपन में, बचपन ही क्यों ना रहा, इतना बड़ा सजा मिल जाता। और ये मेरे बाल जो कटे हुए, ये बार बार मेरे चेहरे को बेकार कर देता है, आगे आ जाता है, क्योंकि क्लिप लगाई है हम फिर इधर, अभी ये इसको यहाँ पे क्लिप लगाऊँ तो सही होगा, अच्छा नहीं लगता बाल वाल नीचे होना, अच्छा नहीं लगता, मुंह पे आ जाता है। तो आज के लिए मेरा बस इतना ही, कल मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी थोड़ा सा मेरे अच्छा अच्छा वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोग भी इन्जॉयमेंट कर सकें। तो कोशिश रहेगी मेरी, बस थोड़ा समाप्त करो पूरे दिन के लिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।